बिहार में रोजगार की तलाश में लोग दर बदर भटक रहे हैं। कोई रोटी के लिए रोजगार ढूंढ रहा है तो कोई सरकारी योजनाओं से अपना पेट भर रहा है। स्थिति ये है कि आज लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। स्क्रीन में दिखने वाली ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर जिले की है। समस्तीपुर जिले का पूसा खादी ग्राम, जहां आज चप्पे चप्पे में चरखा चलाने की गुनगुनाहट रोजगार का माध्यम बन गया है। खुदीराम बोस स्टेशन से महज थोड़ी ही दूर पर स्थित खादी ग्राम उद्योग भंडार अब महिलाओं के स्वावलंबी में मददगार साबित हो रहा है, जहां महिलाएं अब स्वरोजगार के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें समस्तीपुर के खादी ग्राम की हैं, जहां सूत काटकर महिलाएं अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, या यूं कहें तो ये खादी ग्राम इनके पास एकमात्र रोजगार का साधन बन गया है। राज्य सरकार के द्वारा इस खादी ग्राम को 40 चरखे दिए गए हैं, जहां प्रशिक्षण का कार्य भी कराया जाता है और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में सरकार लगातार पहल करती नजर आ रही है। वहीं जब नेशन न्यूज की टीम खादी ग्राम में पहुंची तो तस्वीरें चौंका देने वाली थी, जहां महिलाएं वर्षों से सूत काट कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बदलते समय के अनुकूल चरखे के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलना अपने आप में इतिहास को दोहराने का काम कर रहा है। तो वहीं जब नेशन न्यूज की टीम ने महिलाओं से बातचीत की तो आइए सुनते हैं इन स्वावलंबी की ओर बढ़ती महिलाओं ने टीम को क्या कुछ कहा। अच्छा, तो अभी यहाँ ट्रेनिंग भी दिलवे छे महिला सबके, जो नया महिला है ओकरा सबके रोजगार ट्रेनिंग करा के रोजगार भी करवावे छे। मिलते मंत्रिये दिन देथिन रोजगार, चरखा देथिन, कूनी देथिन, सब आगे मुहे बढ़थिन तो मंत्रिये जी रख जे होतै से करथिन। हम सब एते दिन कटलिए तो जे कटलिए से पैसा गेले खाता पर, 1000 हो 500 हो 2000। अभी कितना महिला के यहाँ सिखबे छिए? महिला 25 महिला। वो बिहार राज्य बोर्ड से 40 चरखा हमारे संस्था को मिला है, समस्तीपुर को। उस पर जो है सो हम लोग 25 ग्रामीण महिलाओं को लिए हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया गया है, राज्य सरकार के द्वारा ही चल रहा है, जिस पर वो महिला सब आत्मनिर्भर बनेगी। उस पर सीख के यहाँ ट्रेनर भी आते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, कि इसी में से जो पुरानी महिला है या जो नहीं, पहले इसमें कुछ पुरानी महिला को बुला करके ट्रेनर के तौर पर रखा गया है उसको सिखाने के लिए जी। एवरेज क्या इनकम कर लेती होगी महिलाएं यहाँ की? वो काटने पर अभी तो ये नया है, लेकिन वो जो पुराने जो कामगार हैं तो वो कम से कम 3-4 हजार रुपया महीना में कमा लेती हैं।